dang dang ding dang dang ding ding dang 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 ding ding dang dang. तू ऑनलाइन रहना। अरे बंद कर अपनी ऑनलाइन ऑफलाइन बाहर पब्लिक की लगी है लाइन। आइए मेरे साथ। हिंदी मीडियम देख रहे सभी दर्शकों की जय जय और जय जय हमारी ज्ञानी जनता की, जिनका ज्ञान आजकल बहने की जगह लीक हो रहा है। कैसे, आइए मैं दिखाता हूँ। ऐसे भैया हम ये पूछ रहे हैं, अभी फेसबुक का डाटा लीक हुआ है, 200 लोग घायल हुए हैं, तो सरकार को क्या करना चाहिए इस कदम के लिए? इसके बारे में तो मुझे मालूम नहीं। जब घायल हुआ है उसका इलाज तो इतना तो अकल होगी तुम्हें। हाँ, उसका इलाज कराना चाहिए, उसके जो है हॉस्पिटल में जो उनकी सुविधाएं होनी चाहिए उनको देना चाहिए, जो है सुविधाओं को जो है गवर्नमेंट ये सब काम करनी चाहिए। जो है एक इंजेक्शन तुम्हारा लगवा दें मोटा होने का, मेरा यहीं लगवा दें। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसे बने घूम रहे हो, पीली टी शर्ट पहने बसंती, तो उठा के ले जाएगा, इसलिए कह रहा हूँ। तुमने कभी कुछ लीक किया, कभी गैस लीक हुई तुम्हारे? पहले तो सरकार को ये कदम उठाने चाहिए कि आबादी वाले एरिया में ऐसी जगहों पे जो फैक्ट्री चल रही है इनको बंद करना चाहिए। फेसबुक का डाटा लीक हुआ, 200 लोग घायल हुए, सरकार को क्या करना चाहिए इसके लिए? उसके खिलाफ कदम उठाना चाहिए। कैसे होता है डाटा लीक? अभी पता नहीं कैसे होता है, इतना पढ़े लिखे होते तो। बचपन में कभी गैस लीक नहीं हुई तुम्हारी? तुम्हारी भी होती है। हम ये पूछ रहे हैं, अभी फेसबुक का डाटा लीक हुआ है, 200 लोग घायल हुए हैं, तो सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? फेसबुक के डाटा लीक हुआ, सरकार को अपना काम अच्छे से करना चाहिए और कुछ नया इंक्रीमेंट करना चाहिए। इंक्रीमेंट? हाँ, तनख्वाह बढ़ाने, मतलब तनख्वाह बढ़ानी चाहिए और जहाँ जहाँ सिक्योरिटी भी जरूर होनी चाहिए। ये कहाँ लगा आपके निशाने, कहाँ पिट के आए? सर चोट लगी थी। कहाँ लगी थी? बचपन में। और ये पेट कहाँ जा रहा है बाहर निकला? ये तो ज्यादा ही रहता है, साथ लिया एकदम अंदर कर लिया इसने तो। फेसबुक का डाटा लीक हुआ, 200 लोग मर गए उसमें, तो सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को पैसे देना चाहिए। पैसे कैसे देगी सरकार? किस बात के पैसे दे सरकार? घायल हुए तो मतलब तो गवर्नमेंट को उनका वो करना पड़ेगा ना। फिर गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए उनके लिए? गवर्नमेंट को उनकी मदद करनी पड़ेगी। मदद कैसे करे गवर्नमेंट उनकी? इतना तो मुझे भी नहीं है। हमारे बाल क्यों खड़े हैं पीछे से? हम ये पूछ रहे हैं, जो फेसबुक है, फेसबुक का डाटा लीक हुआ है, 200 लोग घायल हो गए, हमारा कहना यह है कि ऐसे पब्लिक सिविल एरिया में फेसबुक का ऑफिस क्यों खोलती है सरकार? क्या ये सही है गलत है? फेसबुक ऑफिस, डाटा लीक हुआ, 200 लोग मर गए, तो क्या ये सही है गलत है? ये हाथ से क्या कर रहे हो तुम? ये पता नहीं, हमें लेट हो रहा है। गलत हुआ, सही हुआ 200 लोग का मरना? गलत ही हुआ कि सही कैसे? फेसबुक का डाटा लीक हुआ है जिसमें 200 लोग घायल हुए हैं, तो सरकार को क्या करना चाहिए इस बारे में? फेसबुक से? हाँ जी, आई डोंट नो कि फेसबुक से कोई लीक हुआ है, वायरल जो भी हो, आई डोंट नो, बट क्या है कि एक्चुअली मैं फेसबुक नहीं चलाती, पर सरकार को लोई सहायता जरूर करनी चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसे जगहों पे ना करें, फेसबुक की जो भी ऑफिस है जी, वो ना सरकार को नहीं करनी चाहिए, बंद कर देना चाहिए जी। या तो ऐसे एरिया पे करवाएं जहाँ पे बहुत शांत माहौल और खुली स्पेस जगह हो, इसके लिए उनको फैसिलिटी देनी चाहिए, कैजुअल्टी देनी चाहिए। कैजुअल्टी? हाँ, कितने दिन की देनी चाहिए ऐसी कैजुअल्टी? कैजुअल्टी घायल हुए हैं तो उनको कैजुअल्टी तो 5-7 दिन, किसी को जल्दी भी मिल सकती है, किसी को कम भी मिल सकती है। कैसे होता है ये फेसबुक का डाटा जो लीक होता है? ये तो कंप्यूटर और वो उनका काम, हमें तो चलाना ही नहीं आता नेटवर्क। आपको चलाना नहीं आता? आपको क्या चलाना आता है? कुछ नहीं आता। दिमाग चलाना तो आता होगा। हाँ, ये बाल सारे उड़ गए ऊपर के। हाँ करें, आपने तो इससे ढक रखे हैं, मतलब इससे देखो नहीं मुझे। हाँ वो हो तो पीछे तो गायब है, तो बहुत फर्जी इंसान है भाई, दोबारा के बाल भी। हाँ, और दाढ़ी कैसी बनवाई? जहाँ जहाँ जगह छोड़ दी ऐसी है जैसे जल्दी जल्दी में हो गया था। क्या गर्लफ्रेंड ने बना दी क्या? नहीं। हाँ नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं है, है ही नहीं। फेसबुक का डाटा लीक हुआ है, अच्छा, जिससे 200 लोग बीमार हुए हैं, अच्छा। तो सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए इसके लिए? उस पर ध्यान देना चाहिए। ध्यान देना चाहिए? क्या ध्यान दे भाई, काम कहाँ गड़बड़ी हो रही है, उसमें विभाग से आदमी लगा। तुम्हारा जो पेट देखो कितना भार आ रहा है, तुमने इस पर ध्यान दिया नहीं? बात तो आपकी सही है फिर भाई, हर आदमी अपनी ड्यूटी है, हम ध्यान नहीं दे रहे।
बाल कैसे कर रखे हैं देवानंद जैसे? ये अच्छा अंदर सफेद है सारे? दिखाई कुछ देता होता कुछ मतलब तो आदमी दिखने में सज्जन हो वैसे हो बहुत बड़े फ्रॉडी ये भी कह सकते हो भैया? हाँ ये भी कहते हैं हो मान रहे हो खुद ही मान लेंगे यार। फेसबुक का ना डाटा लीक हुआ है जिससे 2000 लोग बीमार हुए हैं, सरकार को इसके खिलाफ क्या कदम उठाने चाहिए? हाँ जी इसके सर क्या करना चाहिए उसमें तो लीक हुआ ना तो इसको पहले से 200 लोग जो घायल हुए सरकार को उसके लिए क्या कदम उठाने चाहिए? पहले तो इसको सर उसमें खोजना चाहिए कि ऐसे कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ है सर। अच्छा हम ये पूछ रहे हैं अभी फेसबुक का डाटा लीक हुआ है जी 200 लोग घायल हुए हैं सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए इस बारे में? सरकार तो कुछ उठा ही नहीं रही है। उठा ही नहीं रही है क्या? तुम्हें उठवाए क्या पहले सरकार से? सरकार ने उठा लो भगवान तो उठा नहीं रहा सरकार तू भी उठा लो। सरकार कदम उठाने चाहिए लेकिन सरकार तो इसके विषय में कुछ सरकार तो दौड़ रही है कदम कहाँ उठा रही है? भाग रही खाली विदेश के दौरा कर रही है बस। विदेश के दौरा कर रही है विदेश का दौरा कर रही है। अच्छा अभी जैसे हमारे कोरिया के एक मुख्यमंत्री हैं रमन सिंह उन्होंने 30 किलो चावल फ्री कर दिया हर आदमी के लिए हर महीने, तो क्या ऐसी स्कीम यूपी में भी आनी चाहिए? जरूर अभी स्कीम जरूर आनी चाहिए क्योंकि गरीब लोगों को मिलना चाहिए उन्हें भी मतलब फ्री का माल खिलाओ सबको है मेहनत ना करे कोई। कहाँ पर है ये कोरिया? पाकिस्तान में हो सर। पाकिस्तान में कोरिया? कोरिया पाकिस्तान में अलग सॉरी ये जापान में। कोरिया में 30 किलो चावल फ्री कर दिया है तो क्या यूपी में भी होना चाहिए? कतई नहीं होना चाहिए। कतई नहीं क्यों? हराम के खाने वाले बहुत सारे लोग हैं काम करना बंद कर देंगे। पेन कहाँ से लाए तुम? खरीद के लाए। तुम्हारे पेन से टकले पे ऑटोग्राफ दे दूँ? ऑटोग्राफ दे दूँ यहाँ? ऑटोग्राफ टकला उड़ा दिया तुमने अपना नाक बड़ी लंबी आपकी अच्छा जैसे अभी कोरिया के मुख्यमंत्री रमन सिंह हैं उन्होंने चावल फ्री कर दिया डेली 1 किलो और बहुत छोटा सा मतलब राज्य है देश है हमारे यहाँ यूपी में भी होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए सर। है जरूर होना चाहिए कि चावल फ्री करने से इससे बेरोजगारी थोड़ी घटती है सर। एक वक्त की रोटी तो आई। हाँ एक वक्त की रोटी आई लेकिन हर घर में थोड़ी मिलती है। हर घर में मिलेगा वहाँ तो मिल रहा है तो यहाँ भी फ्री करना चाहिए? यहाँ भी करनी चाहिए मतलब फ्री का माल हजम है सब? नहीं नहीं फ्री के माल हजम नहीं है अगर रोजगार होती तो फ्री अगर बाटी कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। आपने दारू पी रखी क्या? नहीं बदबू आ रही है हल्की सी तो लगा रखी भाई पौवा है पौवा तो खींच रखा है कर दिया काम भाई ने सुबह। अच्छा अभी कोरिया के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने हर आदमी को हर महीने 30 किलो चावल फ्री कर दिया है तो हमारे को तो नहीं मिलता ना भैया हम तो ऐसे तो जाते ही नहीं हो? बहुत कम जाते। कौन से हो उत्तराखंड के गांव से? अल्मोड़ा। अल्मोड़ा अल्मोड़ा को तुमने कैसे मोड़ा हाँ ये तो बताओ और वहाँ अल्मोड़ा तुमने क्यों छोड़ा? वैसे वहाँ क्या है वहाँ रोजगार ही है क्या? गुटके खा के दांत तुमने ऐसे कर दिया राक्षस लग रहे हो बिल्कुल अल्मोड़ा से भी आ गए हैं गुटके खा रहे हो दारू भी पीता होगा? नहीं नहीं दारू नहीं। मेरी शक्ल बता रही है ये पौवा मार रखा तुमने झूठ बोल रहे हैं? नहीं नहीं पौवा नहीं दारू नहीं। कोरिया के मुख्यमंत्री हैं रमन सिंह उन्होंने चावल फ्री किए 30 किलो चावल हर महीने तो क्या इंडिया में भी ऐसी स्कीम आनी चाहिए? हर महीने जिसको लेने ले जाए नहीं लेना है तो मना कर दे कि मुझे नहीं चाहिए आनी चाहिए। ये फ्री खा के इनके लोगों के हाथ भी ना खराब हो जाए फिर काम भी ना करें? ऐसा कुछ नहीं है होता है ना फ्री की मिल जाती है तो जिसे मिले यूं वो करे क्यों। अच्छा अभी कोरिया के जो मुख्यमंत्री हैं रमन सिंह उन्होंने 30 किलो चावल फ्री किया हर महीने उन्हें भाई जिसको लेना ले ले नहीं लेना है स्वेच्छा से मना कर दे तो भारत में भी ऐसी स्कीम आनी चाहिए जो गरीब लोग उनको दे देनी चाहिए फ्री की जिनको सड़ रहा है भारत इतना माल सड़ जाता है जो गरीब लोग उनको दे देना चाहिए आराम से। तो कोरिया में अगर ये स्कीम आई है रमन सिंह ने की है जो पात्र उनको दे देना चाहिए। कहाँ है ये कोरिया? देखो जी कोरिया तो इंडिया ऐसा लग रहा है तुमने उठाई है बोरियाँ तो मैं ना पता कहाँ है कोरिया कहाँ है बताओ कोई दूसरे देश में भी हमें पूरा नक्शा में बता सके नक्शा नहीं बता दूंगा गरीब कौन है? अरे भैया इतने महंगाई में अच्छे अच्छे कदर रोटी पूर्ति हो रही रोटी पूर्ति नहीं हो रही तुम्हारा इतना तो पेट भरा आ रहा तुम कहाँ से गरीब हो। अच्छा अभी हमारे कोरबा इसके कोरिया के जो मुख्यमंत्री है रमन सिंह उन्होंने महीने के 30 किलो चावल फ्री किए हैं तो क्या हमारे भारत में भी ऐसा होना चाहिए? ठीक
हर महीने 30 किलो चावल। अच्छा, कोरिया कोरिया के लिए, कोरिया के मुख्यमंत्री ने किए, रमन सिंह ने, पूरी कोरिया के लिए। हाँ, तो इससे क्या होगा? फ्री क्या, हर महीने 30 किलो चावल, मतलब 1 किलो डेली ले ले, मतलब हर पर्सन के लिए। हाँ, जिसे जरूरत है ले जाए, नहीं है तो स्वेच्छा से मना कर दे, भाई मुझे नहीं चाहिए। हाँ, फ्री सबके लिए है। तो ऐसी स्कीम क्या भारत में भी आनी चाहिए? आनी चाहिए, आनी चाहिए। फ्री का माल हजम कर लो है। क्यों तुम्हें क्या, क्यों क्या इसमें फ्री क्या हुआ? फ्री क्या हुआ? क्यों ये बालों में क्या डाला था तुमने यार? तो डैंड्रफ बहुत हो रहा है यार, तो हाथ भी गंदे हो गए। रहने दो, तुमसे इंटरव्यू नहीं करता बस। हिंदी मीडियम देख रहे सभी दर्शकों की जय जय। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम आपका धमाकेदार मनोरंजन करने जा रहे हैं, क्योंकि आज हमारे साथ हैं जुमलों और कहावतों के बादशाह, नाम है गुरु। गुरु ठोको ताली। अरे हमने इनका नाम तो बता दिया, लेकिन जो इनके नाम से भी बड़ा है, हमारे सेगमेंट का नाम है जयमान पंडित आशुतोष कौशिक के साथ। तो दोस्तों, आज हम पोल खोलने जा रहे हैं मुहावरों मक्खन बाजी के बादशाह सिद्धू जी की। सिद्धू जी नमस्कार, कैसा महसूस कर रहे हैं आप यहाँ आकर? कैसे नर्मदा माई में बहता हुआ कोई तिनका किसी शिवलिंग के ऊपर टिक जाए तो क्या महसूस करेगा, वैसे ये सिद्धू यहाँ तुम्हारे महाकुंभ में आके महसूस कर रहा। वाह वाह गुरु, तुम छागे छागे। सिद्धू जी, मेरे और मेरे शो के बारे में आपकी 2-3 चिर परिचित घिसी पिटी लाइनें हो जाए। सिकंदर हो तुम, सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, तारा टूट भी जाए जमीन पे नहीं गिरता, गिरते हैं हजारों दरिया किसी समंदर में, पर कभी कोई समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। अरे पाजी कोई आए, कांग्रेस का अधिवेशन नहीं चल रहा, ये हिंदी मीडियम है, मेरा हिंदी मीडियम, मुझे कौन सा यहाँ राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बन के झंडा गाड़ना है? अगले साल लाल किला पे झंडा आप चेहराओगे, गिरता है। और तुम कहोगे कि सिद्धू आया था, आके चला गया और भाई के बारे में कुछ नहीं बोला। अरे तो बोलना भाई, किधर भाग रहा है, चल शुरू हो जा। सुन ले, है अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए, कैसे भी हो ये मौसम बदलना चाहिए, और जो चेहरे रोज बदलते हैं नकाबों की तरह, अब जनाजा धूम से उनका निकलना चाहिए। अच्छा जनाजा, अभी निकलवाता हूँ, अभी दिखाता हूँ तुमने कैसे मक्खन लगाया इस बार, फिर दिखाओ भाई जरा करतूत, दिखाओ इस आदमी की। ताकत की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं, पारस और सोनिया जी का कोई तोल नहीं, कोई बोल। अच्छा आज इज्जत कमा ली, और वहाँ पहले क्या बोल रहा था, वही वही याद कर मित्रों, सुनो। अरे माफ करना, पर हकीकत कह रहा हूँ, कांग्रेस मुन्नी से ज्यादा बदनाम हो गई। इतनी बदनाम हो गई, नीलाम हो गई, अंधी के नैनों को खुमार आया है, अंधी के नैनों को खुमार आया है, आज गंजों को कंघी का प्यार आया है। अच्छा, और जो तुमने कांग्रेस के पूर्वजों की जो तारीफ की थी तब और अब, जरा देखियो। फिर इंदिरा गांधी आ गई, वो रागल अपने लग गई, कहने लगी गरीबी हटाओ देश बचाओ, बालाजी का ठुल्लू। हम लोग कहते हैं इस देश को सोने की चिड़िया बनाना है, ये कांग्रेस वाले कहते हैं इस देश को सोनिया की चिड़िया बनाना है। अब पाजी एक बात सुन लो, कान खोल के, जबान में हड्डी नहीं होती है, शरीर की सारी हड्डियां तोड़वा देती है, अपनी ये करतूत भी देख लो। आप तो सर राज चौकसी बन सकते हैं, आपने कहा 2% जीडीपी करेगी कनेक्ट, और बेइज्जती करूं क्या कहा था उस वक्त तुमने मनमोहन सिंह के बारे में? मनमोहन सिंह जी जैसे तालीम का जोर इतना, तहजीब का शोर इतना, बरकत क्यों नहीं होती, तुम्हारी नीयत में खराबी है, और देवताओं की नीयत में भी फर्क आ जाए, अगर नजारा चाहे गर्क हो जाएगा। और अब देखो
क्या पलटू आ नहीं है यार। मैंने गंगा नहा ली सर, आपके चरणों में सर रख के। आप सरदार भी हैं और असरदार भी हैं। अरबी घोड़ा चाहे कमजोर क्यों ना हो जाए, बूढ़ा क्यों ना हो जाए, गधों के अस्तबल से कहीं बेहतर होता है। और गुरु पाजी और बेइज्जती कराओगे यार, निकलोगे। खैर तुम निकलो या निकलो, लेकिन हमारे अगले आ रहे हैं जो है हमारे इंटरनेशनल खिलाड़ी, हमारे अक्की बाबा। दोस्तों आपने बैठ के खड़े होके इधर उधर के इंटरव्यू देखे होंगे, लेकिन हमने हिंदी मीडियम, जी हाँ, हमने लिया है उनके बेडरूम के सीधा इंटरव्यू, वो भी लेट के। अरे अरे अक्की बाबा जरा कैमरा ठीक करो जरा। बाजी एक बात बताओ, भारत में पहली बार हो रहा है कि कोई एक सेलिब्रिटी अपने बेडरूम में लेट कर इंटरव्यू दे रहा है, तो आपको कैसा लग रहा है? एकदम डायरेक्ट बोली, दिल से बोली। हाँ हाँ पाजी, बोलो बोलो, दिल से बोलो भाई। मजा आ रहा है, जबरदस्त मजा आ रहा है। अच्छा अक्की बाबा, आपको हमारा शो हिंदी मीडियम कैसा लगता है? बाय गॉड, जन्नत की फील आ गई। अच्छा जन्नत की फील, थैंक यू बाबा, मैं खुद को भी एक हॉलीवुड का एक्टर फील कर रहा हूँ। के बाद कुछ हजम नहीं है। अच्छा अच्छा पाजी, इन सब नाच पीटों के सामने मेरी थोड़ी तारीफ कर दो थोड़ी सी। भगवान ने हमारे देश को कितना बड़ा खजाना दे रखा है। बहुत कम पैसे मिलते हैं, जरा बोलो ना लोगों को, कब समझेंगे हम अपनी चीज की कीमत। अच्छा पाजी, हिंदी मीडियम देखने वाले दर्शकों को आप कोई संदेश देना चाहोगे कि वो हमारा शो क्यों देखें? मेरी तरह हर सुबह एक स्माइल के साथ उठोगे? अच्छा अच्छा पाजी, एक बात सुनो, रात ना बहुत हो चुकी है, अब एक अच्छे बच्चे की तरह सो जाओ। जय जय हिंद जय। अच्छा कहो बुरा कहो झूठा कहो सच्चा कहो, हमको सब को भूल, हमसे भूल हो गई, हमका माफी दे दो। हाँ दोस्तों, इस गाने से कुछ समझ में आया है? जी हाँ, आजकल हमारा मफलर मैन बन गया है माफी मैन। जिनको वो थोक के भाव भर भर के गालियां दिया करते थे, आजकल उन्हें लंबे लंबे माफी नामे लिखे जा रहे हैं। यकीन नहीं होता, अरे उनके ही अनुज से पूछ लो। मनीष सिसोदिया जी बताइए, हमें किसी से कोई लड़ाई लड़नी, किसी को अपमान होता है, किसी को कुछ होता है, हमारे कहने से हम माफी मांग लेंगे? अरे भैया, जब वो सबसे माफी मांग ही रहे हैं, तो मैंने खुद उनसे एक माफी नामा लिखवा लिया है, देखिए। माननीय आशुतोष जी, मैं आपके खिलाफ किए गए सभी बयानों और आरोपों को वापस लेता हूं, और उसके लिए क्षमा चाहता हूं जो आपकी क्षति और सम्मान का कारण बनता है, जैसे आपके परिवार, दोस्तों और अनुयायियों की भावनाएं आहत होती हैं, तो मुझे इसका अफसोस है। अरविंद केजरीवाल, दिल्ली का मालिक। अरे यार, मैं तो परेशान हो गया हूँ, पागल हो गया, मेरी तो किस्मत की लुटिया बिल्कुल ही डूब गई है। कहाँ जाऊँ, किसे दिखाऊँ अपना हाथ? अरे हाँ, ये भी तो है एक परम ज्ञानी। बाबा मेरी शादी नहीं हो रही है? क्या नहीं होता है? अरे बहरे बाबा, शादी नहीं हो रही है मेरी, शादी नहीं हो रही है। अबे कितनी बार एक ही चीज बुलवाएगा, कुछ उपाय बता मेरी शादी का। क्या काम करते हो? लो जी, मैं इससे पूछ रहा हूँ कुछ और ये बता रहा है कुछ। अरे भाई, मैं आपकी तरह नहीं हूँ, सेलिब्रिटी एंकर हूँ। पूजा क्या करते हो और घर के मंदिर में क्या रखा है? मैं पूजा बिल्कुल नहीं करता हूँ। पूजा करते नहीं हो तो फिर काम कैसे बनेंगे? वो करना शुरू करो, चाहे दो मिनट करो, क्योंकि तो कृपा आपकी रुक रही है। अबे नाच पीटे, मैं तेरी कृपा रोक दूंगा, मैं पूछ कुछ रहा हूँ, तू बता कुछ रहा है? आज तो भैया मैं चला इन सभी झंझटों से दूर, क्योंकि मैं हो गया मजबूर। लेकिन आप कहीं मत जाइए, आप झेलिए इस वीडियो को। Dang, dang, ding, ding, dang, 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 dang.